भैया की थी मावस और देख सारी रोटी बन गई ना मावस निकल ली जब सिलेंडर खत्म हो गया। वो तो सुगर भी घर नहीं थे, घर तक ना होते तो फिर खत्म हो जाता तो फिर क्या हाल होता मेरा। शांता ही वाट देखती फिर तो मैं 3 बजे तक है को डाना है उनको डाना सिलेंडर लग गया। चालू कर दो एक बार होगी, एक बार कर दो खीरे वाली चालू, मंदी कर दो मंदी। हिमांशु ना लिया, हिमांशु जाने की तैयारी में विशाल गया और साहब रह गए बस। ये भी जाऊंगे अब नाने घुसने वाले हैं बस, सिलेंडर वो लगा के ठाले वो सिलेंडर दे दो। एक ही वो ढक्कन कहाँ गया, वो सावित्री पूजा वट की पूजा करने और यहाँ बैठ के भजन गाऊंगी। और धूप देखो कितनी तेज है, ऊपर पेड़ की छाया ना तो हवा लागे ना तो ना लागे खुशबू आ ना धूप की। मेरे तो चढ़ गई, मेरे तो चढ़ है ना धूप। हाँ जी देखियो धूप, हाय हाय कितनी तेज है, मेरी भी शक्ल दिख है ये देख, ये देखो जी वो लग रही। अब बैठ के भजन गाएंगे, अब बैठती अब गाएंगी भजन। पूजा चालू, पूजा चालू 12 बजे 12 बजे इन तो सुबह से ही लग रहे हैं, 12 क्या बजे सुबह से लग रही है। तो गीत गाम थी ये यहाँ थी क्या भजन सत्यवान सावित्री सदा अमर कर दिया, देख ले जीते जी हैं। आपने मुझे पुत्रपति होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, पति के विषय में कैसे पुत्रवती बनूंगी। सावित्री का तर्क सुनकर सुबह सुन लिया था मैंने और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संजत होकर बोले, सावित्री बड़ी चतुरता से तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, जाओ वरदान तो सत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पति पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो जाएगा। सावित्री अपने पति के पास ये एक बार बताएंगे किस चीज का व्रत है। छठ सावित्री, अच्छा व्रत सावित्री, अच्छा व्रत सावित्री। सावित्री ने बनाया व्रतम लिखा हुआ है, ये भगवान जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया वैसे ही सबको देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के समान पुराने श्राप से मुक्त प्राप्त हुए, सावित्री के पिता पशुपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुआ और सावित्री सत्यवान को भी 100 पुत्र प्राप्त हुआ, दीर्घायु हो तक राज भोगा और अंत में वैकुंठ को सिधारे। हेलो जी, राम राम जी, सुनते ही मस्ती लाइफ में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हाँ, और टाइम हो गया है 2:30 बज गए और हम दोनों जा रहे हैं, वो जो सहेली थी ना उसकी बेटी की शादी के गीतों में, तो चलो फिर चलते हैं, आपको भी लेके चलेंगे साथ में और उनसे मिलवाएंगे आप लोगों को भी, कितनी दिलचस्प इंसान है वो। तो गर्म गवा
अभी तो कुछ ना हो रहा, हल्दी का वो सजा रखा है। अब बनियानी याद आ गया, तो पड़दानी गल आ रही है, बनियानी है दूसरी बनियानी, अब सही पकड़े गए। राम राम। लड़की की मम्मी देखो कितनी तैयार से यार हो रही है, पूरे चाओ। ये लड़की की मौसी और ये हमारे पुराने पड़ोसी। अच्छा अच्छा, पंखा तो चलाया, पंखा तो बंद कर दिया हमने। जी लड़की लड़की की हल्दी की तैयारी शुरू हो गई है। हाय हाय, क्यों? अच्छा हाँ, डेकोरेशन मस्त हो रही है बिल्कुल। शाम के 5:30 हो रहे हैं और राम जी ने देखो आधी रात कर दी। ये देखो रसोई में तो बिना लाइट के तो हो ना कुछ, और मैं आई थी दूध गर्म करने, और 5:30 हुए अभी तो, और मौसम देख लो ये देखो, और इतनी घुटन कर रखी है हद से ज्यादा। चलो दूध गर्म कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं, किसी को चाय पीनी हो तो आ जाना भाई, ठीक है। घड़ी देख वो सामने लगी ट्रिप पर ना, टाइम क्या हो गया दिखा दी, सरका लो अपने दौरे घड़ी ने है ले कती दीवार पर सरका दी। टाइम हो गया 10:30, ठीक है। और विशाल आया है ईब खाना खाकर, ये विशाल रहा टंगड़िया ठाक दिखा विशाल, ले बैक कर देती हूँ पीछे, ठीक। शर्ट काट का फेंक आया कितना बाहर ही, और हम इंतजार कर रहे होगा पता ना कौन लड़ा होगा। हेलो जी, मुंह पटन लग गया, कर लेते हैं वीडियो का एंड। ओए ओए, एक चीज और दिखा देती हूँ, लो भाई हमारा जोड़ीदारों का फोटो देख लो, मस्त है ना फोटो। किसी जमाने में हम भी कुछ थे, अभी भी हैं। मोटापा बढ़िया हुआ थोड़ा सा, घना ना बढ़िया। लाइट बल्ब फिर भी नहीं करका है, फिर तुम्हें को व्लॉग कैसे बनाओगी है विशाल? तो भाई मानसू की गल चुकी है खाट, मानसू भी सोने की तैयारी में और हम भी सोने की तैयारी में, विशाल भी ठीक है, और व्लॉग का कर लेते हैं एंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।